साहब गए, अशोक चव्हाण गए, नाना पटेल क्यों नहीं गए? नाना पटेल सोबत मराठी मराठी होते शरद पवार आपसे गुस्सा है। जी बैठक झाली त्याच्यात शरद पवारांनी विचारलं की तुमचं खरंच पवळाचं ठरलंय का आणि नानांकडे सगळे अधिकार दिलेत का, तर नानांचं उत्तर काय शरद पवारांना? बघा, आमच्या पार्टीची स्ट्रॅटेजी आहे, त्याच्यामुळे आमचे प्रभारी आमचे CLP आणि अशोक चव्हाण साहेब काल पवार साहेबांना भेटायला गेले होते। ते याच्यासाठी गेले होते की OBCचं राजकीय आरक्षण BJP जे संपवलेलं आहे त्याच्या विरोधातलं एक आंदोलन आता आम्ही महाराष्ट्रात उभं करणार आहे। आता जिल्हा परिषदा असतील, नगरपालिका असेल, महानगरपालिका, त्याच्या निवडणुका येत्या 6 महिन्यामध्ये लागतात आहेत आणि त्या ठिकाणी OBCचं आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे। मराठ्यांच्या आरक्षणाबद्दलची भूमिका एकदा केंद्र सरकारकडून स्पष्ट झाली पाहिजे आणि त्याचं एक आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये आम्ही उभं करतो आहे आणि त्या माध्यमातली एक चर्चा आमच्या सहकारी पक्षांना विचारायला काल ते नेते मंडळी गेलेले होते आणि त्याच्यामध्ये हीच चर्चा त्या ठिकाणी झालेली होती। संजीवनी पुढी आपको राहुल गांधी जी को देना चाहिए ताकि कांग्रेस के फॉर्च्यून चेंज हो जाए पूरे इंडिया में, एक काइंड ऑफ एन अटैक किया गया है राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप पे, कैसे देखोगे आप? देखो, सामना ने बहुत अच्छी बात कही है और हमेशा करते रहते हैं और आज भी उन्हें जो कहा है वो कांग्रेस के हित में ही कहा है और जो उम्मीद उनकी है कांग्रेस के प्रति 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही देश में केंद्र की सरकार बनेगी। महाविकास आघाड़ी के जो रिशफल होने वाला है, 2 कांग्रेस के मंत्रियों की छुट्टी यहाँ पर होने वाली है और 2 नए मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या जानकारी है? देखो, आज अभी हमारे पास ऐसी कोई चर्चा नहीं है, हाईकमांड डिसीजन लेगा उस पर, लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी में रिसपल का कोई अभी तक चर्चा कोई शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ बोलना अच्छी बात है। हाईकमांड ने डिसीजन ले लिया है, बस अभी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर आए थे, पाटिल साहब, HK पाटिल भी यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि अब तक डिसीजन ऐसा कुछ नहीं हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो आए थे कि देश में जिस तरह से केंद्र के BJP की सरकार ने डीजल, पेट्रोल और गैस की जो वृद्धि की है, उसकी कीमतें बढ़ाई है, जिससे आम आदमी का जीना दुभर हुआ है, उस व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है। वो केंद्रीय हमारे नेता है, वो यहाँ प्रेस करने आए थे, आज भी महाराष्ट्र में यह आंदोलन चालू है। कल हम कुछ मंत्री और हमारे कुछ नेता लोग को लेके कल गवर्नर जी को हम निवेदन देने जाने वाले हैं। कल 12:30 बजे हम लोग 12 बजे कल गवर्नर जी के यहाँ पे जो ये महंगाई बढ़ रही है उसके विरोध में और आम लोगों को जीना दुभर हुआ है उसके बारे में निवेदन देने नाना पटोले मंत्री बन रहे हैं, नाना पटोले मंत्री बनने वाले, ये भी कहा जा रहा है। मेरा कोई डिमांड पार्टी की तरफ नहीं है, हाईकमांड जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर काम करने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। आपने देखा होगा कि विधानसभा का अध्यक्ष पद का आदेश मुझे आया कि छोड़ने के लिए आया तो हमने तुरंत छोड़ दिया। मंत्री पद हो या वो जो पार्टी का आदेश होगा वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता अजून कुठली रिसपलची चर्चा आमच्याकडे नाही, त्याच्यामुळे हायकमांड जे काही डिसिजन घेतील त्याची की जेव्हा माहिती येईल तेव्हा तुमच्या समोर आम्ही सांगू। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट 90 करोड स्पेंड करने वाली है मंत्रियों की बिल्डिंग के लिए। त्यांनी जे म्हटलं की कांग्रेस हा पक्ष आता अनेक राज्यांमध्ये पिछेहाट होते आहे, अनेक राज्यांमध्ये उरलेला नाहीये, इकडे तुम्ही स्वबळाची भाषा करताय, दुसरीकडे तुमचेच मित्रपक्ष असलेले शिवसेनेच्या मुखपत्रातून असं म्हटलं जातं। संजय राऊतांचं जे वाक्य आहे ते थोडंसं अजून तुम्ही पहा, मी ते अग्रलेख वाचलं आहे सामनाचा, त्यांनी एकदम स्पष्ट सांगितलेलं आहे की नानांनी महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसला उभारी दिलेली आहे आणि अशीच उभारी पूर्ण देशात यावी ही अपेक्षा संजय राऊतांनी आपल्या संपादकीयमध्ये लिहिलेलं आहे। त्याच्यामुळे संजय राऊतांचं काँग्रेसचं पुढचं भविष्य, कारण की मी मगाशी म्हणालो की 2024 राहुलजीच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार बनणार आणि ते बनणार, कारण की आज देशामध्ये भाजपला पर्याय फक्त काँग्रेसच आहे आणि भाजपने ज्या पद्धतीनं केंद्रामध्ये बसून देश विकायला काढला, देश विकला आणि देशाच्या लोकांना जगणं मुश्किल केलं, काही लोक तर म्हणते कोरोनाची बिमारी परवडली पण ही महागाई परवडली नाही, अशा पद्धतीचं लोक आता बोलायला लागलेले आहेत आणि म्हणून कोरोना आणि महागाई अशा दोन्हीचा संगम भाजपने करून या देशाच्या लोकांचं जगणं मुश्किल केलेलं आहे, त्याचा विरोध आणि त्याचा पर्याय एकच आहे काँग्रेस, आणि काँग्रेसच या देशाला पुढे नेऊ शकतं हे लोकांचा विश्वास आता दृढ झालेला आहे आणि म्हणून राहुलजीच्या नेतृत्वात 2024 केंद्र सरकार तयार होणार।
पटेले क्यों नहीं गए? या बैठकी नाना पटेले मोहन सबसे मिलने क्यों नहीं गए? आपके तीन नेता गए, इसके पटेल गए, अशोक चव्हाण गए, आपने गुस्सा है क्या? अरे भाई गुस्से की बात नहीं ना, मैंने कोई मेरा कोई कोई न्योता नहीं था मेरे को पवार साहब का कि नाना को भी साथ में आना है, या मेरे को पता भी नहीं कि नेता लोग गए। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनको पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बारे में उनके साथ हम मीटिंग करने गए थे और उसी बारे में चर्चा हुई। तो मेरा गुस्सा कुछ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ गुस्सा नहीं होता, मैं मेरे पार्टी का काम कर रहा हूँ और मेरे पार्टी का काम करते समय किसी को गुस्सा होता हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। बीजेपी के लिए पर्याय सिर्फ कांग्रेस ही है, ये लोग समझने लगी है। कांग्रेस ने देश को बुरे समय में खड़ा किया है, देश को मुख्य धारा में लाने का, देश की जनता को मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस ने किया है और पुनः देश में राहुल जी की लीडरशिप में कांग्रेस की सरकार लाने का लोगों ने मानस बना लिया है। इसलिए संजीवनिविटी लोगों के पास होती है, राजकीय नेताओं के पास नहीं होती है, वो समझने का आप लोगों ने अंदाज बनाया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग 90 प्लस करोड़ ऑन मिनिस्टर्स बिल्डिंग, अभी मुझे सरकार की क्या भूमिका है वो पता नहीं। मेरे को संगठन की जवाबदारी है, मेरे को संगठन के बारे में पता है, सरकार की जवाबदारी क्या है मुझे सरकार। ऐसी चर्चा है कि पवार साहब जो है आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपोजिशन के ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? हमें खुशी होगी, महाराष्ट्र का आदमी अगर राष्ट्रपति बनता है तो हमें खुशी होगी, अगर लेकिन मुझे पॉलिटिकली ऊपर में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया शुरू है उसकी मुझे खबर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का अगर व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो हमें खुशी होगी।